हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी चैनल सक्सेस अड्डा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर SSC CGL CPU CHSL स्टेनो एंड अदर एग्जाम्स, जो मोस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसका आज तीसरा पार्ट है। तो आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम दो पार्ट्स और डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, उसको भी आप वहाँ से उन वीडियोस को देख के आप उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला ईडियम है एडिड फ्यूल टू फायर, मतलब क्या हुआ, टू इंसाइट या फिर टू कॉज एडिशनल एंगर या फिर इंटेंसीफाई द प्रॉब्लम। मतलब हिंदी में कहें तो टू इंसाइट मतलब भड़काना। एडिड फ्यूल टू फायर क्या हुआ, टू इंसाइट यानी कि भड़काना। टू कॉज एडिशनल एंगर या फिर क्या होना कि अतिरिक्त गुस्से का कारण बनना, कि गुस्सा आने का कारण बनना, और या फिर इंटेंसीफाई द प्रॉब्लम यानी जो प्रॉब्लम है उसको बदतर बनाना, बद से बदतर और प्रॉब्लम को और बढ़ा देना। ठीक है, तो इंटेंसीफाई द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम को और बढ़ा देना। एडिड फ्यूल टू फायर, अब एडिड फ्यूल टू फायर को कैसे रिलेट करो, कैसे याद रखो। देखो हिंदी में इसका ईडियम होता है आग में घी डालना। तो आग में जब घी डालते हैं तो क्या होता है, जो आग होती है वो और तेज जलने लगती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उस आग को और भड़का दिया, या जो आग के रूप में जो गुस्सा थी, जो गुस्सा था किसी व्यक्ति को, उसकी गुस्सा को और बढ़ा देना। ठीक है, या फिर इंटेंसीफाई द प्रॉब्लम यानी कि आग तो जली रही थी, उसमें और घी डाल दिया, यानी कि क्या हो गया कि उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया और उस आग को और तेज़ कर दिया। ठीक है, तो एडिड फ्यूल टू फायर यानी कि फायर यानी कि आग में तेल डालना, यानी कि आग में घी डालना, तो यानी क्या हो गया इसका मतलब कि किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना। ओके, ऐसे इसको याद रखना। नेक्स्ट ईडियम्स है एफिनिटी विथ। एफिनिटी विद का मतलब होता है अ क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि जो एक घनिष्ठ संबंध। एफिनिटी विद, देखो एफिनिटी मतलब संबंध या रिश्तेदार से संबंध, वर्ड का मतलब होता है किसी रिश्तेदार या संबंध कोई। तो एफिनिटी विद क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो कैसा रिलेशनशिप है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्लोज रिलेशनशिप। तो एफिनिटी विद क्या हो जाएगा, अ क्लोज रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट ईडियम है ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेहेंसिबल, मतलब क्या हुआ, जिसको आप समझ ना सको। ठीक है, इनकम्प्रेहेंसिबल। अब देखो ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, इस ग्रीक लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर ग्रीक लैंग्वेज हमें नहीं आती है तो हम उस ग्रीक लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। तो ऑल ग्रीक यानी कि आप कहीं पे थे, आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट दिया गया, उसमें क्या था कि सारा कुछ ऑल मतलब जो कुछ भी लिखा था वो सारा ग्रीक में लिखा था, ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑल ग्रीक यानी कि सारा कुछ किस में लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्रेहेंसिबल, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे उसको। तो ऑल ग्रीक का मतलब क्या हुआ, हर चीज़ ग्रीक में है तो आप उसको नहीं समझ सकते, इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, मतलब क्या हुआ, जो कोई सीक्रेट ना रखता हो। हिंदी में कहें तो खुली किताब। खुली किताब का मतलब क्या हुआ, जब हम कहते नहीं किसी व्यक्ति से, कहते हैं वो तो खुली किताब है। खुली किताब है का मतलब क्या हुआ, उस जो कुछ भी नहीं छुपाता, जो कुछ है उसका मन साफ है, बता देता है। तो यानी कि क्या हुआ, उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है। तो वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, एन ओपन बुक का मतलब क्या हुआ, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसके पास कोई सीक्रेट ना हो, जो कुछ छुपाता ना हो। ठीक है, तो इसको याद रखना एन ओपन बुक से, यानी कि खुली किताब। नेक्स्ट वर्ड है, वैसे भी अगर जैसे ओपन बुक, आपके सामने बुक ओपन रखी है तो उस बुक में जो लिखा है, आपसे कुछ किसी ने पूछा तो आपके सामने बुक ओपन होके रखी है तो आप तुरंत उसमें से क्या कर दोगे, देख के बता दोगे। यानी कि जो कुछ भी है उसमें सामने है, कोई सीक्रेट में कोई छुपा नहीं है उस बुक में, जो भी है सामने है, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है या नेक्स्ट ईडियम है एन एक्स टू ग्रैंड, इसका मतलब क्या होता है, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी कि क्या हुआ, खुद की इच्छा करने का, कोई काम है उसकी, उसमें उसकी खुद की इच्छा है, प्राइवेट इंटरेस्ट है उसका, खुद का इंटरेस्ट है किसी कार्य को करने में, खुद का इंटरेस्ट होना। ठीक है, किसी के द्वारा ज़बरदस्ती कोई कार्य ना करना, उसको कहते हैं अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। अब इसको कैसे याद रखोगे, एन एक्स टू ग्रैंड, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ठीक है,
और ग्राइंड का मतलब जो ग्राइंडर मशीन ही होती घुमाने वाली, ठीक है, तो वो ग्राइंडर। तो एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि जैसे कि कोई एक दुकानदार है या आप हो, तो आपका इंटरेस्ट किस में है, लकड़ी काटने में, जो एक्स है जो कुल्हाड़ी है उसको आपका इंटरेस्ट है कि लकड़ी काटने में, टू तो क्या हो जाएगा, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो आपका खुद का इंटरेस्ट है, ये स्वयं का इंटरेस्ट है। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, वो सर्व आपको जो काम करना है वो उस काम में आपका खुद का इंटरेस्ट है। जैसे कि ये जो व्यक्ति है ये भी क्या कर रहा है, अब ये एक्स है और ये ग्राइंडर मशीन है, तो ये एक्स को ग्राइंड कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसका खुद का इंटरेस्ट है इस काम करने में, इस काम को करने में उसका खुद का इंटरेस्ट है। या इसमें देखो ये लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काटने में उसका खुद का इंटरेस्ट है। तो क्या हो गया, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या हो गया, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ओके फ्रेंड्स, ऐसे याद रख सकते हो उस वर्ड को और इन फिगर्स को आप माइंड में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एट ड्रैगस, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, टू एनेमी टू ईच अदर, मतलब क्या हो जाना, एक दूसरे के दुश्मन हो जाना। एनेमी टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ, एक दूसरे के दुश्मन हो जाना। अब एट डैगर्स ड्रॉन यानी कि याद कैसे रखोगे इसको, देखो एट डैगर्स ड्रॉन यानी कि जब दो दोस्त थे, आपको एक स्टोरी टाइप के बताता हूँ, दो दोस्त थे उनके बीच में अब क्या आ गया, डैगर का मतलब क्या, हथियार या चाकू कुछ भी हो, एक हथियार है खंजर, ठीक है, तो डैगर क्या हो गया, खंजर। तो अब जो दो दोस्त थे उनके बीच में क्या आ गया, खंजर आ गया, एक दूसरे ड्रॉन मतलब गिर गया, यानी कि उन दोनों के बीच में खंजर आ चुका है, खंजर गिर गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए, ठीक है। तो एट डैगर्स ड्रॉन क्या हो गया कि डैगर मतलब खंजर, तो जो खंजर उन दोनों के बीच में आ गया, दो दोस्त थे उनके बीच में खंजर आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईडियम है, हाँ, एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब क्या हुआ, टू बी डोमिनेटेड बाई समवन या फिर टू बी रेडी टू ओबे वंस ऑर्डर, यानी कि मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा डोमिनेट करना, उस चीज़ को लीड करना, या फिर टू बी रेडी टू ओबे वंस ऑर्डर यानी कि किसी का ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहना। अब इसको इस idiom को कैसे याद रखोगे, इसमें क्या आ रहा, एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब क्या हुआ, वंस बैक यानी कि किसी के पीछे, एंड कॉल, कॉल का मतलब बुलाना, तो किसी के पीछे पीछे जाना जब वो बुलाए, यानी कि ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, टू बी रेडी टू ओबे वंस ऑर्डर, यानी कि जब वो उसने ऑर्डर दिया, कोई व्यक्ति ऑर्डर देगा वो, तो उसके पीछे पीछे जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, कि हमेशा किसी की बात या किसी का ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहना। टू एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या हुआ, उसके पीछे पीछे, उसने बुलाया तो उसके पीछे पीछे जाना, ठीक है। तो इस वर्ड को, इस idiom को ऐसे याद रखना, एट वंस बैक एंड कॉल यानी कि पीछे पीछे जाना, यानी कि टू बी रेडी टू ओबे वंस ऑर्डर, मतलब क्या हुआ कि आप उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो। ओके, तो इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है एट वंस विट एंड, मतलब क्या हुआ होता है, टू गेट पजल्ड और टू बी पजल्ड, मतलब क्या हुआ कि पजल्ड हो जाना, मतलब कन्फ्यूज हो जाना, या कि किसी कार्य को आप कर रहे थे तो उसमें आप कन्फ्यूज हो गए। अब इसको जैसे इसको याद कैसे रखो कि एट वंस विट विट एंड, तो इसमें जो विट आ रहा, विट का मतलब होता है विवेक या शक्ति या बुद्धि, तो आपकी जो शक्ति या बुद्धि था, किसी कोई कार्य कर रहे थे आप, तो आपकी जो शक्ति या आप विवेक लगा रहे थे उसमें, अब उस विवेक का क्या हो गया, एंड हो गया। क्यों एंड हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपने जो सोच रहे थे वो कुछ काम ही नहीं किया, तो आप क्या हो गए वहाँ पे, कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा विवेक या मेरा जो शक्ति है वो काम क्यों नहीं कर रही है, तो आप उस जगह पे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए, ठीक है। टू गेट पजल्ड या टू बी पजल्ड, तो ऐसे याद रखना इसको। नेक्स्ट वर्ड है एट सी, मतलब क्या होता है, पजल्ड और कन्फ्यूज, इसका मतलब भी पजल्ड यानी कि कन्फ्यूज हो जाना, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। अब जैसे कि आप सपोज़ दैट कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आपको क्या मिल गया, समुद्र मिल गया, अब आप कन्फ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए कि अब मैं क्या करूं, इस समुद्र को पार करूं या कि यहां से वापस आऊं, ठीक है, तो आप दुविधा में पड़ गए, कन्फ्यूज हो गए आप, ठीक है। तो एट सी यानी कि समुद्र पर पहुँच गए आप, तो समुद्र पर पहुँच गए तो आप कन्फ्यूज हो गए कि अब क्या करें, यहाँ से जाएँ लौटें वापस कि इसको पार करें, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पजल या कन्फ्यूज, ऐसे याद रखना। एंड द लास्ट idiom है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, मतलब क्या हुआ, स्कैटर्ड या इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, मतलब क्या हुआ, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा पड़ा, बिखरा हुआ, तो कोई चीज़ है जो कि क्या है, बिखरी हुई पड़ी है, या इन डिसऑर्डर यानी कि किसी भी ऑर्डर में नहीं है, बिना ऑर्डर के, या कन्फ्यूजन,
तो जो बिना ऑर्डर की कोई चीज़ होगी तो उसमें कन्फ्यूजन भी होगा, है ना। तो क्या हो गया, स्कैटर्ड या इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। अब देखो 6 और 7 यानी कि 8, 6 and 7, तो इसको आप याद ऐसे याद रखो कि 6 है या 7 है, मतलब 6 चीज़ों को कोई चीज़ है आपके पास, कोई लकड़ियां है, सपोज दैट 6 या 7 लकड़ियां, तो आप कह रहे हो उसको 6 लकड़ियों को बिखेरना है, 6 लकड़ियों को स्कैटर्ड करना है, या 7 लकड़ियों को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न हो गया, इसमें भी क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया कि इसके ऑर्डर को या इसको कैसे बिखेरना है, 6 को बिखेरना है या 7 को बिखेरना है। तो 8, 6 and 7 को अब ऐसे याद रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज़ माई ईमेल आईडी एंड विजिट अवर वेबसाइट successadda.online.com एंड विजिट अवर फेसबुक पेज, दिस इज़ दैट इज़ माई फेसबुक पेज, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।